जिनकी वजह से, या यूं कह सकते हैं कि ये वो टीम है जो एज ए कोच, एज ए द्रोणाचार्य एग्रीकल्चर हिस्ट्री में पूरी साल काम कर रही थी, और जीरो से लेके हीरो तक। मेरे को पता है, अभी मैं रिजल्ट देख रहा था, एक बच्ची थी, उसका नाम मिस हो गया, वो यहाँ पास में, आकांक्षा नहीं, दूसरी बच्ची यहीं पास में रह रही थी, तो रूम लेके रहती थी वो बच्ची, सीकर से थी वो बायोलॉजी से थी, निशा नहीं, उसका नाम मिस हो रहा, मैं और बता दूंगा अगली लाइव में। तो वो बच्ची एग्रीकल्चर को लेके बड़े बड़ी चिंता करती थी, उसको केमिस्ट्री बहुत अच्छी आती थी, बायोलॉजी बहुत अच्छी आती थी, कि एग्रीकल्चर को लेके चिंता करती थी, क्योंकि वो एग्रीकल्चर की थी नहीं, और वो तैयारी एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेके कर रही थी, तो उसको ये होता था कि क्या पता मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। शुरुआती दौर में बहुत घबरा गई थी वो, लेकिन धीरे 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 जैसे वो आपके सानिध्य में आई और आप लोगों ने पढ़ाना चालू किया, उस बच्चे को इतना इंटरेस्ट लगा, इतना बढ़िया, शायद मुझे अभी याद नहीं रहा है, लेकिन उनके दो, उसके 200 में से शायद 180 या 183 ऐसे कुछ नंबर आए हैं। बहुत बड़ी बात है सर, 200 में से जिस बच्चे ने एग्रीकल्चर पढ़ी नहीं कभी और वो तैयारी करके अगर 183 नंबर लेके आ रही है, बड़ी बात है। 6 बच्चों के 100 परसेंटाइल आए हैं, कम से कम 200 बच्चे ऐसे होंगे जिन बच्चों के 99 परसेंटाइल से अधिक आ रहे हैं, 99 परसेंटाइल से अधिक आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी का मुंह मीठा कराऊंगा और उसके बाद में आप अपनी बात बच्चों के सामने रखेंगे। लीजिए सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत बधाई हो। ये हमारे सोनू सर, दो सोनू सर हो गए, दोनों ही रॉयल के स्टूडेंट है, एक्स स्टूडेंट है। मैम को भी मिठाई खिला देते हैं, लो लो मैम खाओ आप भी, हैं लीजिए। अब आप बताइए एक एक करके, माइक लीजिए आप। अच्छा है ना, नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका रॉयल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपने देखा कि जो रिजल्ट था अपना बहुत शानदार रहा एग्रीकल्चर में, अभी तक हमने कुछ ही बच्चों के रिजल्ट निकाले हैं, है ना। ऐसा कह सकते हैं कि रॉयल में जितने बच्चे पढ़ते थे ऑलमोस्ट 25% बच्चों का रिजल्ट अभी तक हम लोगों ने निकाला है, उसमें भी 6 बच्चों के सिर्फ एग्रीकल्चर में 100 परसेंटाइल नंबर है, और इसका पूरा श्रेय जाता है रॉयल की पूरी एक बहुत बड़ी टीम को, जिन्होंने दिन रात एक करके पूरे 365 दिन वो लगे रहते हैं, अपने जो पर्सनल काम है उनको बाद में रखते हैं, बच्चों के लिए हमेशा डेडिकेटेड रहते हैं। रॉयल का जो डिसिप्लिन है वो ही रॉयल की सफलता की कहानी गढ़ता है। सुबह 5 बजे बच्चा उठता है, रात में 11:30 तक का उसका शेड्यूल फिक्स रहता है, उसके बाद भी अगर उसकी इच्छा होती है तो भी पढ़ने का समय दिया जाता है, एक एक बच्चे के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाता है, जो कमजोर बच्चे हैं उनके लिए अलग से हम लोग मेहनत करते हैं, डाउट क्लास लगाते हैं, रिविजन क्लासेस लगाते हैं, एक एक बच्चे से उसकी परेशानी पूछी जाती है। यहाँ पे रॉयल में आने के बाद बच्चा जैसा महसूस करता है, कई बार मैंने बच्चों से पूछा है, बच्चों ने कहा कि सर ऐसा तो हमको घर वाले भी नहीं ट्रीट करते जैसा आप लोग करते हो, इतना ध्यान कौन देता है बच्चों पे। मैं आपको फिर कहना चाहूंगा, एक बार जब जीएल सर और मैं दोनों चर्चा कर रहे थे तो मैंने कहा कि सर एक एक बच्चे पे कैसे ध्यान दे पाएंगे, तो जीएल सर ने मुझे साफ साफ शब्दों में कह दिया कि एक एक बच्चों पे ध्यान देना पड़ेगा सर, अगर रॉयल को रॉयल रखना है तो अपने को एक एक, चाहे बच्चा कमजोर हो, चाहे बच्चा तेज हो, चाहे वो 90% बना के आया, 95 बना के आया या 44 बना के आया, कहने का मतलब ये है कि हमारे लिए सारे ही बच्चे समान है। दूसरी बात बात रही एग्रीकल्चर सब्जेक्ट की, तो वैसे सर, बच्चों का जो बीच में रोकना चाहूंगा सर, एक बार मेरे को आप देना माइक। यस सर, जैसे सर ने कहा 44% का, तो सर वीडियो लंबा होगा लेकिन आज का ही केस है इसलिए बताना चाहूंगा। आज में जो 11th क्लास में नए एडमिशन हुए हैं, तो 11th क्लास वाले बच्चों, क्योंकि रॉयल का तो सिस्टम है टेस्ट लेना, मैं कहता हूँ 50% योगदान टेस्ट का होता है और 50% इसका होता है आपकी मेहनत का होता है। तो 11th क्लास के अंदर एक बच्चा है जिसके 43% आए, ये वही बच्चा है जब ऑफिस में आए तो उनके पेरेंट्स निराश थे कि अब हम क्या करें, हमारे बच्चे के तो इतने कम प्रतिशत आए, हमें तो सर शर्म सी आ रही है कॉलोनी में, बच्चे ने थोड़ा सा 19-20 कर दिया, अब क्या करें, क्योंकि उसके 43% आए। मैंने उस बच्चे को इतना गाइड किया कि अगर मैं कहूं वैसा और रॉयल टीम के अगर वैसा कर ले तो ये जल्दी झंडे गाड़ना चालू कर देगा, और 2 साल बाद में जब रिजल्ट आएगा तो आप देखना। आज जब मैं इनाम देने गया तो 10 बच्चे टॉप 10 को मैंने इनाम देने के लिए बुलाया, उन टॉप 10 के अंदर मैंने हाथ ऊपर कराया 10th परसेंटेज वाले, कि भाई 10th के अंदर 80% से ऊपर वाले हाथ ऊपर करो, तो मान लो 4 बच्चों ने हाथ ऊपर कर लिया, 70 से ऊपर वाले करो, तो ज्यादातर जो नीचे बैठे थे उन्होंने सबने हाथ ऊपर कर लिया, मतलब ज्यादातर के 70% से ऊपर। लेकिन मैंने बाद में मैंने कहा टाइम ज्यादा लग रहा है इसको मिनिमाइज करो, मैंने कहा 50 से कम वाले करो, तो 2 बच्चे करें,
उन दो बच्चों में अगर मैं 45 से नीचे वाले करता तो एक ही खड़ा करता, सही बात नहीं है। और वो बच्चा उसमें वो बच्चा था जिस बच्चे के 43% थे। मैं धन्यवाद दूंगा हमारी पूरी टीम को, जैसे कि मैं हर बार बोलता हूं कि हम कमजोर किसी को नहीं समझते, बशर्ते उस बच्चे के एडमिशन लेने के बाद में उसके दिमाग में यह होना चाहिए कि सर मैं करना चाहता हूं। कोई ये कहे कि लाओ मेरे को सुधार के बताओ, देखे मेरे नंबर ला के दिखाओ, उसकी कोई दवाई नहीं है। रॉयल इंस्टीट्यूट आपका एक परिवार है, नॉर्मल से नॉर्मल बच्चे के लिए हम काम करते हैं, हमारी पूरी टीम काम करती है, लेकिन बशर्ते उस बच्चे के मन में इतनी सी तमन्ना हो कि हाँ सर मैं करना चाहता हूँ। वापिस चाहूंगा सर बीच में, आप अपनी बात आगे जारी रखें। तो जहां तक हम बात कर रहे थे कि यहाँ का जो सिस्टम है, देखो किसी भी चीज को आगे ले जाने के लिए एक बहुत मजबूत सिस्टम चाहिए। कई बार लोग कहते हैं कि एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकता है, फिर रॉयल ने 7-8 टीचर क्यों रख रखे आपके एग्रीकल्चर में। मैं आपको कहता हूँ कि जो स्पेशलिस्ट काम कर सकता है ना, मान लीजिए कि मैं एग्रोनॉमी पढ़ाता हूँ, मैं पिछले 10-11 सालों से एग्रोनॉमी 100% फुल टाइम पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास कोई और काम है ही नहीं जिंदगी में। सुबह उठना, पढ़ाना, रात में घर जाना, सो जाना, सुबह उठना, फिर पढ़ाना, इसके अलावा कोई काम हम लोग नहीं करते हैं। तो पहला तो ये फायदा रहेगा आपका कि जितने भी स्पेशलिस्ट टीचर है वो लोग इतने सारे वर्षों से सभी प्रकार की परीक्षाओं के प्रश्न देखते रहते हैं, उनको पता है कि प्रश्न कहाँ से आने वाला है, सामने वाले ने प्रश्न कैसे घुमाया है, ये सारी चीजों का एनालिसिस दिन भर हमारे दिमाग में चलता रहता है। दूसरी बात यह है कि रॉयल में भगवान के आशीर्वाद से इतनी सारी बैचेस है कि एक ही चीज को हम दिन में 6-7 बार पढ़ाते हैं, और वो कहते हैं ना, करत अभ्यास के जड़ मती होत सुजान, रसरी आवत जावत से सिल पर पड़त निशान। तो वो चीजें इतनी ज्यादा डीप में हमको समझना पड़ती है। कोई कहता है पढ़ाने बहुत आसान है, जाओ पढ़ लो और पढ़ा दो, ऐसा नहीं है। 1 घंटे का लेक्चर लेने के लिए शुरुआती अवस्था में 6 घंटे पढ़ना पड़ता है, बाद में भी कम से कम, आज 10 साल हो गए, 2 घंटे तो कम से कम पढ़ना ही पड़ता है, तब जाके उस चीज को अलग अलग तरीके से, आसान तरीके से, ट्रिक्स के माध्यम से, फोटो दिखा के, वीडियो दिखा के, डिजिटल मैटर का प्रयोग करते हुए, पुराने प्रश्नों के बारे में जानकारी देते हुए जब बच्चों को समझाया जाता है तो उनको एक झटके में पूरी बात समझ में आ जाती है, और ये केवल बहुत लंबे अनुभव के बाद ही संभव है। ऐसा नहीं है, देखो धीरे 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 धीरे, मैं 2013 से पढ़ा रहा हूँ, और वहां पे 13 में मैंने जब पढ़ाना शुरू किया तो मैंने देखा कि जो पुराने प्रश्न थे वो उस नोट से हल नहीं होते थे। पहले मैं इंदौर में पढ़ाता था, यहाँ जब मैं रॉयल इंस्टीट्यूट आया तो यहाँ मुझे सर ने बताया कि आप पुराने सारे जितने भी एग्जाम्स के पेपर है सारे ले लो, चैप्टर वाइज उनको डिवाइड कर लो, और इसके बाद आप बच्चों को साथ साथ में डिस्कस करते चलो, इसमें अपने पढ़ाने के तरीके में भी सुधार होगा, साथ ही साथ बच्चों को पुराने प्रश्नों की जानकारी भी होगी। दूसरी बात, हम देखते हैं कि 2020 के बाद CUET ICER ने अपना पैटर्न पूरा ही चेंज कर दिया, अब कथन कारण वाले प्रश्न आते हैं, सही जोड़ी वाले प्रश्न आते हैं, पैराग्राफ वाले प्रश्न आते हैं, जिसकी ना तो कोई अच्छी बुक मार्केट में मौजूद है और ना ही तैयारी करवाई जाती है। हम लोगों ने हमारा पैटर्न फिर मॉडिफाइड किया, और आप जानते हैं जितने बच्चे भी रॉयल में पढ़े हैं जो टेस्ट पेपर आते हैं अपने, उसमें पूरे कथन कारण वाले प्रश्न, सही जोड़ी वाले प्रश्न, सत्य कथन पहचानिए, असत्य कथन पहचानिए, उसमें भी इतना घुमा घुमा के पूछा जाता है कि एक प्रश्न हल करने के लिए पूरा चैप्टर कंठस्थ होना चाहिए। अगर एक लाइन भी ऊपर नीचे हो गई तो बच्चा सब कुछ जानते हुए प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता है। उस समय तो बच्चे काफी हताश भी हुए कि सर हमने सब याद कर लिया, सब पढ़ लिया, पर आपके प्रश्न में एक लाइन की वजह से, एक डेटा की वजह से हमारे नंबर कट जाते हैं। आज वही बच्चे फोन करके कह रहे हैं कि सर आपने ऐसा पैटर्न पढ़ाया कि कोई भी आज कोई सा भी प्रश्न उठा के दे दे। मैं यूं नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ CUET का, एग्रीकल्चर में ऑल इंडिया लेवल पे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप उठा के उसमें प्रश्न देख सकते हैं, आपको जरूर मिलेंगे, ये मेरा वादा है ना। CUET का सिलेबस काफी शॉर्ट है, उसमें काफी कम फसलें भी दे रखी है, हम 33 फसलें पढ़ते हैं, CUET ने 10 या 12 ही फसलें दे रखी। कई बार बच्चे पूछते हैं सर आप ये क्यों पढ़ाते, क्यों? इसलिए पढ़ाते बेटा कि प्रश्न पूछने वाला सिलेबस को बहुत ज्यादा फॉलो नहीं कर पाता एग्रीकल्चर में। उसमें दिक्कत क्या है कि एग्रीकल्चर की ऑल इंडिया लेवल पे NCERT की बुक्स नहीं आती। एग्रीकल्चर इज ए सब्जेक्ट ऑफ स्टेट, मतलब एग्रीकल्चर की जो भी शिक्षा है वो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, तो इस कारण से अलग अलग राज्यों का जो सिलेबस है उसमें 11th-12th में थोड़ा सा अलग अलग सिलेबस आता है, पर हम लोगों ने एक ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार किया है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, सॉइल केमिस्ट्री, सभी टीचर्स अपने आप में बेस्ट है और वो दिन रात मेहनत करते हैं, रोज नोट्स अपडेट करते हैं, बच्चों को नई नई ट्रिक्स से, टेक्निक से सिखाते हैं। जैसा हमारे सोनू सर बहुत अच्छे अच्छे डायग्राम के माध्यम से, बहुत अच्छे अच्छे चित्रों के माध्यम से समझाते हैं। अब मैं
सोनू सर को अपना प्रभार देना चाहूंगा कि आगे मंच को संचालित करें। सर प्लीज।